ये रास्ता इतना फिसल रहा था। दोस्तों मैं इस समय बिल्कुल टॉप पर हूँ और यहाँ का व्यू देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और इस समय बिल्कुल आसमान में हूँ। सबसे टफ चैलेंज है इस पे चलना क्योंकि यहाँ की जो बर्फ है ना बहुत ही खतरनाक है और मौसम देखो ऐसा लग रहा है जैसे बरसात पड़ने वाली है। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। एक और नई सुबह, एक और नई जर्नी। तो आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग और गुलमर्ग की जो दूरी है वो श्रीनगर से 56 किलोमीटर दूर है और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, वहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो समय समय पर चेंज होता रहता है। वहाँ की जो स्नो है वो दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ गोंडोला राइड है वो दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों हम जो चले थे गुलमर्ग के लिए वो सुबह 8:30 बजे चले थे और रास्ते का दोस्तों व्यू हो जाए बहुत ही मजेदार होता है। आप ये देखिए, आपको यहाँ पर एप्पल के बाग मिलेंगे, अखरोट के पेड़ मिलेंगे, जगह जगह पर चेरी, यानी जितने भी फल है ना वो फ्रेश फ्रूट होते हैं। मजा आता है। वो कहते हैं ना कि मंजिल का मजा नहीं होता, सफर का मजा होता है। बराबर ही नाम सुना तो यहाँ हम उतरे हैं। ये जब गुलमर्ग जाते हैं ना इसकी फर्स्ट आप स्टेज मान सकते हो क्योंकि यहाँ से अपना चढ़ाई शुरू हो जाएगी और ये जो जगह है ना ये टनबर्ग मारी जाती है। साथ ही साथ एक नाला जो है ना, हम यहाँ परसों भी आए थे फोटो वगैरह खिंचवाने की, बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ से जो टेम्परेचर है ना वो चेंज हो जाता है, थोड़ी थोड़ी जो है ठंड होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा रुके हुए हैं और यहाँ का मैं पॉइंट दिखाता हूँ जिसे बोला जाता है जिक पॉइंट। और नीचे का व्यू देखते के साथ ही डर लग रहा है। ये देखिए क्या व्यू है यार, यहाँ से आप जो है ना ये देखिए कश्मीर का व्यू आप देखिए, कितना शानदार व्यू आता है दोस्तों। और इसे बोला जाता है व्यू पॉइंट। और यहाँ पर ना टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो चुका है, यानी थोड़ी थोड़ी ठंड सी लग रही है। हवा जो है ना, हवा में गलन है, बहुत ही ज़्यादा गलन है। बट हमने यहाँ कुछ कपड़े भी लिए हैं, वो भी हम पहनेंगे। बट अभी हम थोड़ा और ऊपर चलना है, हमें बहुत ऊपर चलना है, उसके बाद वहाँ का जो व्यू होगा ना बहुत बैंग ऑन होने वाला है। तो दोस्तों मैं जो हूँ इस समय, मैं हूँ अभी गुलमर्ग की पार्किंग और ये यहाँ का जो व्यू है ना दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है। जब आप आते हो तो यहाँ पर जो आप टैक्सी लेकर आते हो यहाँ पर वो स्टॉप हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो गोंडोला है उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। और दोस्तों हमारे साथ क्या हुआ कि हम बुकिंग नहीं कर पाए क्योंकि बुकिंग होनी रही थी, एक हफ्ते पहले बुकिंग करनी पड़ रही थी। तो क्या है कि हमें गोंडोला तो मिलेगा नहीं। गोंडोला का जो रेट होता है वो दो फेस में होता है। घोड़े का जो रेट होता है ना वो चार्ज, इनका चार्ज अलग अलग होता है। 4,000 रुपये बोल रहे हैं कि 5-6 पॉइंट खाएंगे। अब इनसे हम बात करते हैं कि कितने रेट में तय करते हैं। अभी जो हमें जाना है ना, जो वाइट वाइट देख रहे हैं ना जहाँ पर स्नो हो रही है, देखिए वो उस पॉइंट पर जाना है। और ये पॉइंट जो है इस जगह से जहाँ मैं खड़ा हूँ 12 किलोमीटर दूर है। अब हमारे पास दो चॉइस थी, एक गोंडोला तो अब हम नहीं कर सकते, दूसरा क्या। तो अभी हम जो है घोड़े से जाएंगे, पता करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम जो है हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और यहाँ से 12 किलोमीटर हम जो है चलने वाले हैं, साथ साथ 6 पॉइंट घूमने वाले हैं। दोस्तों बात करो तो यहाँ पर मैंने जैकेट पहन ली है और शू भी पहन लिए लेदर के, क्योंकि टेम्परेचर जो है काफी जो है डाउन हो चुका है। तो मजे आने वाला, सारे के सारे व्यूज में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप पार्क देख रहे हैं ना, ये यहाँ गुलमर्ग का मेन पार्क है। क्या होता है दिसंबर जनवरी में जब यहाँ पर बर्फ होती है ना, तो जितनी भी एक्टिविटी है ना वो सारी के सारी यहाँ पर होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे गोल्फ पार्क बोला जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर बर्फ नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी हमें जो चलना है ना वो उस पॉइंट पे चलना है बहुत। तो ये जो पार्क है ना, यहाँ का ये मेन पार्क है। ये जो रास्ता जा रहा है ना ये गोंडोला वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा गोंडोला तो हो नहीं पाया। कौन सा
तो आप देख सकते हो ये है गंडोला, जहां से भी आप जा सकते हो। ये देखो यहाँ पर आप घर देखिए, मिट्टी कितना सुकून है नया, और यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे, और यहाँ पर आप चारों तरफ देखोगे ना तो यहाँ पर घर ही घर मिलेंगे आप मिट्टी वाले, क्या सुकून है यार। तो घोड़े पर आने का ये फायदा है कि आप करीब से इस चीज को जो है महसूस कर पाते हो। तो ये यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे बोला था इको पॉइंट। क्या शानदार व्यू है दोस्त, गजब। ये देखिए जी भाई, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों ये है यहाँ का तीसरा पॉइंट, इको पॉइंट, बहुत ही शानदार व्यू है दोस्तों, बहुत गजब। सोचो जब यहाँ पर दिसंबर जनवरी में बर्फ पड़ती होगी ना तो कितना शानदार व्यू लगता होगा, बहुत ही शानदार। और ये देखिए पूरे के पूरे कपड़े गंदे हो गए क्योंकि हम आए थे घोड़े से, पर दोस्तों यहाँ का अलग ही एडवेंचर है। तो यहाँ हम जो है बहुत सारे फोटो लेने वाले। दोस्तों क्या व्यू है यहाँ का, बहुत ही शानदार। ये देखिए भेड़े, साथ ही साथ ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना दोस्तों, बताना चाहता हूँ ये पाम ट्री होते हैं, और पता आपको इनलीगल काटने पर 10 साल की सजा होती है इसको। ये देखिए कितना शानदार व्यू है, ये आप देखिए बहुत ही प्यारा। ये देखिए फाइनली दोस्तों अब हमें जाके बर्फ दिखाई दी है, ये देखिए क्या नजारा है सामने का। तो अभी हम वहीं पहुंचने वाले दोस्तों, ये यहाँ का फर्स्ट स्टेज है। ये देखिए जो गोंडोला आते हैं ना वो यहाँ तक आते हैं, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद सेकंड स्टेज जो जाते हैं वो जाते हैं। क्या शानदार व्यू जहाँ हम चलने वाले हैं। तो इस जगह को बोला जाता है कंगन डोरी। ये देखिए कितना शानदार व्यू है उसका, आप देखिए बर्फ यहाँ से इसका व्यू देखियो। तो यहाँ इस जगह है ना, ये कंगन डोरी है, और यहाँ से इसका व्यू देखो कितना शानदार है। और जितना ऊपर जाओगे ना इतना आप जो है बर्फ में जाओगे। तो ये जो आप गंडोला देख रहे हैं ऊपर तक जाएंगे, और हमारा घोड़ा भी जो है ऊपर ही जाने वाला। ये देखिए क्या व्यू है दोस्तों, यहाँ से आप देखिए व्यू और ये बर्फ का नजारा देख सकते हो, साथ ही साथ वाटरफॉल। तो फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना शानदार व्यू है दोस्तों। फिसलन हो रही है, और यहाँ पे ना चलना भी थोड़ा टफ हो रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली हम जो है इसमें गुलमर्ग में है। ओ अरे भाई कैमरामैन गिर गया, यहाँ तो हम गिर रहे हैं। सबसे टफ चैलेंज है इस पे चलना, क्योंकि यहाँ की जो बर्फ है ना वो बहुत ही खतरनाक है, बट दोस्तों बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा चलने की थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, आगे ना पैर को दबा के चलना पड़ेगा तो आप गिरोगे। बाकी क्या होता है ना हमारे पैर जो है ना वो स्लिप हो रहे हैं। ये देखिए तो अभी हम जो जा रहे हैं हमारा फोकस है वाटरफॉल पे, जहाँ आपको मजा आने वाला है। यहाँ का मौसम देखो, इस समय बर्फ देखो, और कितना शानदार मौसम है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस बर्फ में चलना, बट मैंने ट्रिक अपना ली है। पंजे पे चलोगे तो नहीं फिसलोगे, अगर आप एडी पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो दोस्तों मौसम देखो ऊपर का, और अभी हमारे लिए चलना ना थोड़ा टफ हो रहा है क्योंकि बर्फ देखिए हो रहे ये, और यहाँ पर ये फिसलने ना बहुत आम है। ये देखिए अब मौसम देखो ऐसा लग रहा है जैसे बरसात पड़ने वाली है। सोचो दिल्ली में समय 48 टेम्परेचर, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो अभी मैं सेकंड ब्लॉग में ना यहाँ पर जो एक्टिविटी है ना वो करने वाला हूँ, और बहुत ही मजा आएगा। क्या मौसम है दोस्तों, देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और इस समय बर्फ में हूँ। ये देखो ये देखिए, और ये अभी तो हमें और ऊपर जाना है जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है। दोस्तों मैं इस समय बिल्कुल टॉप पर हूँ, और यहाँ का व्यू देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और इस समय बिल्कुल आसमान में हूँ। बर्फ देखिए और ऊपर का व्यूज, और नीचे वाला दोस्तों ये रास्ता इतना फिसल रहा था। तो यहाँ मैं टॉप पे आ चुका हूँ, और यहाँ का व्यू देखिए भाई, अभी दोबारा फिसल चुके हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल। ये देखिए क्या बर्फ है बाप रे, और ये देखिए यहाँ का व्यू क्या शानदार व्यू है। ये देखिए वाटरफॉल, और दोस्तों ये पानी जो है अंदर ही अंदर जा रहा है अंडरग्राउंड। क्या व्यू यार दोस्तों, गजब, वो पानी अंदर ही अंदर जा रहा है, और यहाँ से आप देखिए। दोस्तों मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और इसका अगला ब्लॉग जरूर देखें जहाँ मैं स्केटिंग करने वाला हूँ। लाइफ में पहली बार स्केटिंग करूंगा मैं, बहुत ही मजा आएगा, और यहाँ का जो बर्फ है ना गजब। ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप ना हमारे चैनल को ज़्यादा प्यार करें, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और आप फेसबुक पर भी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।